बनी है। मामूली विवाद में दो लोगों को यहां पर गोली मारी गई है। इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई है। डबल मर्डर की वारदात संभल में दोनों पक्षों में हुई थी। यहां पर कई राउंड फायरिंग, दो लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी। गुन्नौर के गांव रसूलपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मामूली से विवाद में दो लोगों को गोली मार दी गई और इलाज के दौरान यहां पर दो लोगों की मौत हो गई है। दोनों पक्षों में यहां पर कई राउंड फायरिंग की खबर भी आई थी और गुन्नौर के गांव रसूलपुर का पूरा मामला। तो संभल में दो पक्षों में देखिए आपस से कहासुनी फायरिंग हुई है दोनों तरफ से, जिसमें दो लोगों को यहां पर गोली मारी गई है। मामूली विवाद में दो लोगों को यहां पर गोली लगी है और दोनों की इलाज के दौरान ही मौत हो गई है। इस पूरे मामले में पुलिस देखिए जांच कर रही है। यहां पर दोनों पक्ष के तरफ से यहां पर अपनी अपनी बात सामने रखी जा रही है और इसी के साथ पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल डबल मर्डर से लोग परेशान, लोग भयभीत। गुन्नौर में ग्राम रसूलपुर में दो आपसी रिश्तेदार हैं जो खेत में मेड़ पे लगे हुए पेड़ को काटने के विवाद में आपस में मारपीट की है और उसके बाद फायरिंग की है, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। आपसी मारपीट के जितने लोग शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुनील हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, यहां पर दो लोगों की जान चली गई और इन दोनों पक्षों से क्या पूछताछ हो पाई जिनके बीच में फायरिंग हुई थी? मैं शिवानी बताना चाहूंगा कि ये एक सप्ताह पहले का विवाद था जो पुलिस ने हल्के में लिया और उसी का परिणाम देखने को मिला कि दोनों पक्षों के दो लोगों की मौत हो गई। खेत में मेड़ के विवाद था कि ये मेरी है मेरी आपस में, और उसमें पेड़ थे उनके काटने को लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने आए, फायरिंग हुई और दो लोग खत्म हो गए। लेकिन पुलिस वहां दोनों तरफ से गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन अगर एक हफ्ता पहले इस विवाद को निपटा दिया जाता तो ये परिणाम देखने को नहीं मिलता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो संभल में देखिए डबल मर्डर की वारदात हुई, पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों से यहां पर पूछताछ की जा रही। दो लोगों की यहां पर गोली लगने से जान चली गई है। इलाज के दौरान यहां पर दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। मामूली से विवाद में यहां पर फायरिंग हुई थी। प्रयागराज से खबर जा